साल 2023 शादियों को लेकर खूब चर्चा में रहा और इन चर्चाओं में क्रिकेटर्स की शादियां सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई। तो आइए एक एक करके आपको बताते हैं कि वो कौन से खिलाड़ी थे जो क्रिकेट के मैदान में तो खेल ही रहे थे मगर शादी के पिच पर भी अपने पैर जमा रहे थे। अब इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है केएल राहुल का। केएल राहुल ने 23 जनवरी को एक्ट्रेस अथिया शेट्टी संग सात फेरे लिए। भारतीय टीम की स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने 23 जनवरी 2023 को बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी के साथ शादी की थी। अथिया शेट्टी बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी है। क्योंकि दोनों ही पॉपुलर फेस थे इसलिए दोनों की शादी सोशल मीडिया पर काफी फेमस भी हुई थी। इस साल शादी करने वाले दूसरे क्रिकेटर जिनकी खूब चर्चा हुई वो थे अक्षर पटेल। 26 जनवरी को ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने अपनी गर्लफ्रेंड मेहा को हमेशा के लिए अपना जीवन साथी चुन लिया। दोनों ने वडोदरा में शादी की थी। अब महीना था फरवरी का और क्रिकेटर हैं शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ने 27 फरवरी को भारतीय उद्यमी और प्रोफेशनल बेकर मिताली के साथ शादी की थी। भारत के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने 27 फरवरी 2023 को मिताली पारुलकर के साथ शादी रचाई। शादी से पहले शार्दुल ने 2021 में सगाई की थी। इसके बाद आते हैं ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज ने जून में महाराष्ट्र महिला टीम के क्रिकेटर उत्कर्ष पवार के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। भारतीय टीम के उभरते हुए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 जून 2023 को उत्कर्षा के साथ शादी की थी। उत्कर्षा भी एक क्रिकेटर है जो महाराष्ट्र के लिए घरेलू क्रिकेट खेलती हैं। अब इस लिस्ट में पांचवा नाम है प्रसिद्ध कृष्णा का। तेज गेंदबाजी के स्टार प्रसिद्ध और डेल टेक्नोलॉजीज में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में कार्यरत आईटी पेशेवर रचना ने जून में शादी कर ली। भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने 8 जून 2023 को रचना के साथ शादी की। कृष्णा जिस वक्त इंजरी के चलते टीम से बाहर चल रहे थे उन्होंने उसी वक्त शादी की। अब अगला नाम है नवदीप सैनी का। 23 नवंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर नवदीप ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्वाति अस्थाना के साथ सात फेरे लिए और उन्हें अपना जीवन साथी चुना। लंबे वक्त से टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने 23 नवंबर 2023 को शादी की थी। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड स्वाति अस्थाना के साथ शादी की है और साल के अंत में एक और खिलाड़ी ने सबको चौंका दिया और वो थे मुकेश कुमार। मुकेश कुमार ने हाल ही में दिव्या नाम की लड़की के साथ सात फेरे लिए। भारतीय पेसर मुकेश कुमार ने हाल ही में 28 नवंबर को शादी की थी। मुकेश ने दिव्या नाम की लड़की के साथ शादी की है। आपको बता दें कि हर साल बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज की शादियों की खूब चर्चा होती है लेकिन साल 2023 क्रिकेटर्स और खिलाड़ियों की शादी से ही भरा रहा। इस साल कुछ बड़े चेहरे शादी के बंधन में बंधे जो क्रिकेट के मैदान से लेकर सोशल मीडिया पर छाए रहे। इन क्रिकेटर्स की शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी और इसी तरह साल 2023 इनकी शादी की खबरों से और भी खास हो गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।